बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह, अभी हैं हम भाईजान के जू में, और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, ये खरगोश घुस जाते हैं मोर के कमरे में और इसके दाने खा जाते हैं। अभी भी दो घुसे हुए हैं। हमारे ऑस्ट्रिच थे तो एक जो है वो बहुत ही सुस्त हुआ हुआ है। रात ठंड रही है बहुत ज़्यादा, उसे शायद ठंड लग गई है। एक ठीक ठाक है, एक हमने ये डब्बे में रखा है, बहुत ही सुस्त हुआ हुआ है, ये देखें। तो अभी इसको मैं लेके जाने लगा हूँ घर। घर जाके इन्वर्टर जो है, एसी इन्वर्टर, उसको हीट पे रख के गर्म कमरा करेंगे इंशाल्लाह। तो उसमें रखेंगे, अल्लाह करे ये ठीक ठाक हो जाए। ठंड शायद लग गई है, इसे हम लेके जाते हैं घर। चलें भाई, यहाँ पे मैंने इन्वर्टर जो है हीट पे रख के 28 डिग्री पे चला दिया है, तो कमरे में हीट हो जाएगी। तो मुमकिन है माँ ऑस्ट्रिच जो है ये उठ जाए, अल्लाह करे इसे ठंड लगी हो और निक में ये ठीक हो जाए। यार सांस नहीं ले रहा, ले रहा ले रहा ले रहा। और यहाँ पे हमारे चूजे सारा पानी पी गए हैं, इनका पानी बदल देते हैं। और तीनों के तीनों चूजे माशाल्लाह कायम दायम हैं, ये यहीं पे रहेंगे। बहुत ही बुरी खबर है, ऑस्ट्रिच हमारे बीच नहीं रहा, तो इसे खेतों में जाके दफन करते हैं। चूजे जो हैं तीन, ये माशाल्लाह बहुत एक्टिव हैं, लेकिन ऑस्ट्रिच नहीं रहा। हालांकि इसको गर्म रखने की कोशिश की है हमने, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। बिस्मिल्लाह जी, ऑस्ट्रिच भाई के जू में पहुंच चुका है, अभी इसको दफना देंगे, क्योंकि अगर मार्शल इसको खाएगा ना तो ये इसको आदत हो जाएगी परिंदे खाने। ओ पीछे हटो, पीछे हटो, पीछे हटो। तो इसलिए इसको हम दफना देंगे। ओ हो, यहाँ पे मैंने पानी छोड़ा था, सारा पानी यहाँ पे खोबा ही खोबा हो गया। ऑस्ट्रिच को दफना दिया और अभी मैं जा रहा हूँ सियालकोट। गोल्डन फिश जो है उनकी खुराक ख़त्म हुई है, आज उन्हें खुराक हर सूरत में डालनी है। मैंने सर्च कर लिया था, अभी खैर फ़ोन भी कर लेते हैं कि खुले हैं कि बंद है। अल्हम्दुलिल्लाह अभी अभी कॉल की है मैंने, तो खुराक जो है वो मिल जाएगी। उन्होंने कहा कि आ जाएँ, तो अभी जाते हैं, जाकर खुराक लेके आते हैं इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अभी मुकर्रम भाई को मैंने फ़ोन किया कि आप अगर फ्री हैं तो चलें सियालकोट चलते हैं। तो वो जो है वो कह रहे हैं कि मैं बिज़ी हूं, तो इसलिए हम अकेले जाएंगे और ज़्यादा काम नहीं है, बस जाना है और आना है। अस्सलाम वालेकुम, या अलीपुर वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। सीधा घंटा घर जाना है, उसके साथ ही कोने में दुकान है एक्वेरियम की, वहाँ से वो खुराक बाय करनी है और वापस आ जाना है। बस जाना आना, बस इतना कुछ। तो इंशाल्लाह जी अभी चुटकी बजा के पहुँचते हैं सीधा सियालकोट। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम सियालकोट पहुंच चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। G2 मार की, और सियालकोट एंटर होते ही कैंट शुरू हो जाता है, और कैंट में ही फिश की खुराक का जो स्टोर है ना, वो कैंट में ही है। इसे क्या हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह जी हम पहुंच चुके हैं, ये सामने घंटा घर, माशाल्लाह। इसको घूम के हमने राइट जाना है, इशारा बंद। ऐसे, और अब हमने सीधे जाना है। यहाँ पे कॉर्नर शॉप है, एक्वेरियम स्टोर, एक्वेरियम, हाँ जी, और वो खुली हुई है। पार्किंग 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 यहाँ पे नहीं है, पार्किंग, नो पार्किंग एरिया। तो बाइक हम इधर पार्क करेंगे यहाँ पे।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह जी, खुराक हमें मिल चुकी है, बस इतना ही काम था। अब हम वापस जाएंगे इंशाल्लाह। और सियालकोट हम पहुंच चुके थे और खुराक भी ले ली है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हमारा सफ़र है जारी और सारी, तो चुटकी बजा के भाई के ज़ू में पहुंचेंगे हम। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम पहुंच चुके हैं खेतों में और भाई के ज़ू में अल्हम्दुलिल्लाह। तो अभी फ़िश की जो खुराक है मछलियों की, वो उन्हें डालते हैं। यहाँ करते हैं जी अपनी बाइक पार्क। मैं दो बोतल जो हैं वो लेके आया था। पहले मैं ही गया था, तो भाई मुबशर ने मैसेज किया था कि वहाँ से मछलियों की ना वो खुराक लेते आइएगा, तो मैं लेके आया था। एक डब्बी निकाल गई है काफ़ी टाइम, तो अभी मैंने एहतियातन दो डब्बियाँ लेके रखी हैं। एक इस्तेमाल करेंगे, दूसरी बैकअप के लिए, क्योंकि इनकी एक्सपायरी डेट जो है 2024-25, मतलब एक साल से ऊपर की है, तो हमारी चल जाएंगी। अल्लाह, फिश फिश कैसी हो? हम खुराक लेके आए हैं, खाओगी? ये जी सील इसकी उतर चुकी है। इधर से नहीं निकलनी। बिस्मिल्लाह, आ जाओ भाई, आओगी खाने? इन्हें तो जैसे जैसे भूख ही नहीं है। हाँ माशाल्लाह, खाना शुरू हो गई, मछलियाँ खाना माशाल्लाह। खाजो खाजो खाजो। जब मैं आ रहा था तो काले बादल छाए हुए थे, फिर इस साइड पे यहाँ पे धनक भी बनी थी। इसका मतलब यह है कि उस साइड पे बारिश हो गई है। अल्हम्दुलिल्लाह जी, ये खुराक वाला मसला भी हल हो गया। शेरू को, हाँ शेरू का खाना जो है वो नाश्ता मैंने करवाया, दोपहर का भी हो गया, अभी उसका डिनर रहता है, तो शेरू का घर जाता हूँ, डिनर लेके आता हूँ और शेरू को डालता हूँ इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम शेरू के लिए खाना ले आए हैं। शेरू नहीं, मार्शल, मार्शल कैसे हो? शेरू जो है ना मोहम्मद की जुबान पे चढ़ गया हुआ है, तो ये कहता है, क्या कहते हो मोहम्मद, ये क्या, इसका नाम क्या? शेरू। लो जी, शेरू को खाना दे दिया है, अब हम घर जाएं। ये लकड़ी ना दीवार की उस साइड पे मैं रखने लगा हूँ, ताकि ये हवा अगर रात को चलती है ना, तो ये उसकी वजह से ना उड़े। जी जी, ये लकड़ी हमने यहाँ पे रख दिया है। ओके, अल्हम्दुलिल्लाह जी, जो बीज हम लेके आए थे, आज इसकी बारी है भिगोने की, तो बीज को भिगो देंगे और कल काश्त, कल या परसों काश्त हो जाएगा इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम अब्बू जान। वालेकुम सलाम। दो किलो? हाँ जी। वो बड़ी क्या हो गया? शेर तू आ जा। बस अभी से बांधना है और इसको हमने बांध लिया है। जी लो अपनी जिंदगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी, धान का जो बीज है वो हमने भिगो दिया है। मेरे साथ खेलना चाह रहा है। चलो जी माशाल्लाह, खेलो 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 खेलो। मेरा बीज भी मैं लिया है 2 किलो। मैं अच्छा। 15 मरले जगह बीजनी है। अच्छा, तो बी खिला रहा चुफेरे में छटा खड़ा दे लिया, तो बिच रह गया पुष्कार आया, तो बी मुक गया। मैं यार ये अद्धा किलो और हुंदा ते सारे बराबर उग पैंदा। हुण देखो आले दुआले तां टीले सही ने, बिच उत्थे दाणे मुक गए मेरे। ते मैनूं ये भी नहीं पता कि पठियां दा बी किन्ना पांदे ने कनाल दा। अच्छा, और जिन्हां कोल लिया सी उन्हां कोल के पुछ लैणा। उन्हें मैनूं कहा आया मैं किन्ना बी पांदे कनाल दा, यार 3 किलो। मैं क्या यार मैं कनाल नहीं बीजनी, कनाल ज्यादा हो जानी है। मैं 15 मरले थाम बीजना, 2 किलो चरी तैयार हो, देसी चरू ही है। सही है ना, ये सदा बहार है ते ना ये बागो बहार है। ठीक है, मैं मैनू देसी चरी दे। उन्हें 2 किलो 150 रुपए किलो लिया।
ਜੇ ਮੈਂ 3 ਕਿਲੋ ਲੈ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਬਰਾਬਰ ਪੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣੇ ਹਨ ਸਰ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। मुझे लगा कि मैंने बाइक दरवाजे के बाहर खड़ी की थी तो चोरी हो गई है, क्योंकि साथ वाले गांव से दो बाइकें जो हैं लास्ट दिनों में चोरी हुई हैं। मुझे लगा कि मैंने गेट से बाहर बाइक जो है वो खड़ी की है, तो बाइक वहां पे है नहीं। कैमरा चेक करने लगा था तो अचानक मेरे जहन में आया कि खेतों में जब गए हुए थे तो अब्बू जान साथ ही आ गए थे, उन्हें पुराने घर उतारा है। फिर अब्बू जान कह रही थी कि कुछ सब्जी चाहिए, उनको सब्जी ला के दी है और बाइक मैं यहीं पे छोड़ के घर चला गया हूँ। बाइक इधर है, खड़ी है अभी खेतों में। भाई शबीर लोग जो है वो आ चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम। प्लांट वगैरह आ चुका है, तो अभी तारों से बांधा हुआ पिंजरे को मैंने, वो लकड़ी भी रात को रख दी थी इसीलिए कि वो हल्की होती है तो वहाँ से उड़ जाती है और ये पिंजरा सारा तबाह हो सकता है। तभी वेल्डिंग हो जाएगा तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह मजबूत हो जाएगा। हम जो है वो रुक रुक के चल रहा है क्योंकि धूप इतनी ज़्यादा है नहीं और बिजली आ रही है सोलर से लगा है कुछ, इस तरह ये कच्चे कच्चे टुच जो हैं लगे हुए हैं, मतलब लग रहे हैं। तो एक साथ नीचे बैठे हुए हैं, एक साथ ऊपर बैठे हुए हैं और इनके बड़े सब उस्ताद जो हैं वो पता नहीं कहाँ हैं। बहरहाल जी कुछ टंके लग गए हैं, ये देखें कुछ लग गए हैं और कहीं पे अभी ये धूप कभी आती है कभी जाती है तो काम जो है वो रुक रहा है। मुसलसल कोशिश जारी है, जब जब धूप आती है टांके लग जाते हैं, जब चली जाती है तो इंतज़ार किया जाता है। इंशाल्लाह ये आज काम ख़त्म किया जाएगा। कल बड़ी अच्छी धूप थी, मैंने कहा भी था कि ये ख़त्म कर दें तो उन्होंने कहा नहीं वो एक दूसरा काम है वो करके तो ये बाद में करेंगे। आज फिर से आपा गले पड़ा हुआ है मेरे भी और इनके भी। वहाँ पे काम चल रहा है ना तो मोर को बाहर निकाल दिया था हमने, अब मोर वहाँ पे है मज़े से बैठा हुआ और सामने बेबी खरगोश मज़े से चुग रहा है। माशाल्लाह दोनों प्यारे लग रहे हैं। बेबी खरगोश अब नहीं किसी से भी डरता, घर में वहाँ पे तो ये बहुत ज़्यादा डरता था, तो अभी इसका चाका जो है वो खुल चुका है। मोर के घर जाके भी दाने खाता है, बाहर भी फिरता रहता है, दूर दूर तक जाता है माशाल्लाह। तो यहाँ पे अब सेफ़ है और बाकी खरगोश भी सेफ़ है। इंशाल्लाह खरगोशों का घर भी बनाया जाएगा ताकि ये उसमें आसानी से रह सकें, जैसे खड्डे टोए वगैरह मार सकें। तो अभी जी खाना आ चुका है, लड़के गए हुए हैं बर्तन लेने और हाथ धोने, तो वो बर्तन लेके आते हैं, हाथ धो के आते हैं, फिर खाना खाते हैं और फिर से धूप गायब हो चुकी है, फिर इंतज़ार करते हैं धूप आने का और फिर वेल्डिंग शुरू करते हैं। माशाल्लाह जी रोटी लग चुकी है, अभी खाना खाएँगे और मज़े करेंगे। तो आज की वीडियो, अरे कैमरा नहीं साफ, तो आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं और इसी दुआ के साथ ख़त्म करते हैं कि अपनों में रहें, अपनों में खुश रहें और अपनों को खुश रखें और हमें दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।